Hello students, welcome. So we are continuing with our series and today we are doing class 11th physics chapter 5 laws of motion. Okay, NCERT textual question answers we have to start and this is our part 4 students. Okay, so let's start beta. This is our question number 19. A cell of mass, okay, 0.2 kg मास है, इज फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 100 kg. ठीक है, मास गन का मास कितना है 100 kg है. इफ द मजल स्पीड, मजल की जो स्पीड है ऑफ द सेल, ठीक है, सेल की जो मजल स्पीड है, ओके, तो वो दे रखी 80 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन. ठीक है, हमें इस गन की रिकॉइलिंग स्पीड बतानी है. आपको पता है जब हम कोई भी बंदूक चलाते हैं तो उसके पीछे जो एक तरीके का झटका लगता है ना बेटा, उसी को हम रिकॉइलिंग कहते हैं. तो चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं. सो देखिए, मास ऑफ द सेल, मास ऑफ द सेल, सपोज ये हमने माना मास ऑफ सेल. ठीक है, व्हाट इज मास ऑफ सेल इज गिवन हियर, 0.02 kg. मास ऑफ गन, सपोज दिस इज mg, मास ऑफ गन दिस इज 100 kg, ओके. और मजल स्पीड ऑफ सेल कितनी दे रखी है, मजल स्पीड ऑफ सेल, क्लियर, वो आपको सपोज करो इसको vm से रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस इज 80 मीटर पर सेकेंड. और हमें क्या निकालनी है, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन निकालनी है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ गन. ठीक है, दैट इज वी कैन सी दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट हम लगाएंगे. और ये क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ठीक है, तो देखिए बेटा हमारा यहाँ से जो इनिशियल मोमेंटम वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा. यानी कि यू कैन से दैट इसका जो मास हो vm प्लस में फिर हम लिखेंगे गन का, गन का क्या हो जाएगा mg इंटू vr. और फाइनल मोमेंटम इसका क्या है, जीरो है. सबकी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे और हमें निकालना है क्या, वी आर निकालना है ना. तो यहाँ से वी आर आपका क्या हो जाएगा, एम एस वी एम अपॉन एम जी. ओके, तो हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे और आफ्टर सोलिंग वी आर गेटिंग 0.016 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन दैट वी वांट टू फाइंड आउट. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 20. ए बैट्समैन डिफ्लेक्ट ए बॉल बाय एन एंगल 40 डिग्री. एक बैट्समैन है, एक बॉल को हिट करता है 45 के एंगल पे विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड. ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड को चेंज किए बिना. ओके, एंड विच इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है बेटा ये देखिए, 54 किलोमीटर पर आवर. ओके, और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द इम्पल्स इम्पोर्टेड टू द बॉल, क्या इम्पल्स होगा इसका बॉल का अगर बॉल का मास 0.15 kg दे रखा है. तो इसको कुछ आप इस तरीके से समझिए बेटा. यस बेटा, देखिए यहाँ पे क्या, हमने KL सपोज करो एक बैट ले लिया इस तरीके से, ये पेन जैसे कि एक बैट है. ठीक है, मैंने बैट का नाम दिया KL. ये वो ओरिजिन है जहाँ पे बैट्समैन खड़ा है. ठीक है, ये बैट है, तो यहाँ पे एक ऐसे बॉल आएगी. ठीक है, इसी ए पॉइंट से यहाँ से देखो ऐसे बॉल आई और उस बैट से उस बैट्समैन ने क्या किया, उस बॉल को ऐसे हीट किया. हीट करने के बाद वो इस पाथ से चली गई. क्लियर, ऐसे वो बॉल आई और ऐसे वो वापस चली गई. ठीक है, और जो ये हमारा पूरा एंगल बन रहा है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, एंगल बिटवीन ए ओ बी, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है अपना ए ओ बी वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है. ओके, ठीक है, अब देखिए ये टोटल कंप्लीट एंगल कितना है, 45 डिग्री है. तो अगर इस एंगल को हम हाफ हाफ करेंगे तो ये कितना बनेगा, 22.5 डिग्री, और ये भी कितना बनेगा, 22.5 डिग्री. ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस आपको इसमें दे रखी हैं बेटा. क्लियर, और यहाँ पे देखिए ON हमने क्या ले लिया, एक परपेंडिकुलर लिया नॉर्मल. ठीक है, ये ON यहाँ पे क्या है, नॉर्मल
ऑन द बैट केयर, ठीक है। ये केयर बैट पे हमने क्या ले लिया, एक नॉर्मल लिया है। ओके, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि ये केयर बैट है, ये इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल है, ऐसे आपकी बॉल आई और ये ऐसे हिट करके वापस चली गई, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, जब हमारे पास ऐसे ये आती है तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको चेंज कर लेंगे। और जो बॉल हमारे पास यहाँ से आ रही है, ये बॉल, इस बॉल का मास रखा 0.15 केजी। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास ये एओ है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जो इनिशियल वेलोसिटी है एओ, इसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। इस तरीके से हमारे पास ये एओ है ना, इसको हम क्या करेंगे, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब जो ये हमारा एंगल है 22.5 दे रखा है, ये भी 22.5 दे रखा है, ओके। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक यू क्या बचेगा आपका, यू कोस 22.5 डिग्री, और ये क्या बनेगा, यू साइन 22.5 डिग्री, है ना। तो यू कोस 22.5 डिग्री, ये देखिए अगर मैं ये कहूँ कि जो 22.5 डिग्री है ये इस थीटा के साथ अटैच है ना, यहाँ से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, अगर आप इसको ऐसे रिजोल्व करते हो, ठीक है, ये ऐसे है, तो एक बार तो आप उसको ऐसे इधर रिजोल्व करोगे, जो ये ऐसे पेन है आपका, ये यहाँ पे जो पेन है, एक बार ये इधर रिजोल्व होएगा और एक बार इधर, तो जब ये ओ एन के अलोंग रिजोल्व होगा ना, जब ये ओ एन के अलोंग रिजोल्व होगा तो ओ एन के अलोंग इसको क्या बोलेंगे, यू कोस थीटा, ठीक है, अलोंग ओ एन क्या बन जाएगा, यू कोस 22.5 डिग्री, ठीक है। और जब इधर परपेंडिकुलर रिजोल्व होगा इधर अलोंग ओ एल, जब ओ एल के अलोंग रिजोल्व होगा तो क्या बन जाएगा, यू साइन 22.5 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जब थीटा के साथ अटैच होता है तो कोस लगाते हैं, और ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ओके, इसके अलोंग भी रिजोल्व होगा और ये इसके अलोंग रिजोल्व होगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी रिजोल्व करेंगे, ओके, समझ गए आप। तो हमने इनको रिजोल्व किया, तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले को भी ऐसे रिजोल्व करेंगे, ओबी को भी, तो ओबी को भी आप रिजोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी इसी तरीके से रिजोल्व करना पड़ेगा ना, एक स्केल ऑन कंपोनेंट जाएगा ओबी का, ये तो हमने किसको रिजोल्व किया, ओए को रिजोल्व किया है, ठीक है। अगर हम ओबी को रिजोल्व करेंगे तो भी हमारे सेम कॉम्पोनेंट बनेंगे, ठीक है, ओएन के लोग भी और ओएल के लोग भी, ठीक है। तो चलिए अब इसको रिजोल्व करते हैं, तो वैन वी रिजोल्व ओ बी, ठीक है, जब ओ बी को हम रिजोल्व करेंगे, ठीक है, और इसका ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है, यू है ना, तो इसको आप जब ओ एन के लोग तो अलोंग ओ एन क्या बन जाएगा आपका, यू कोस 22.5 डिग्री, और अलोंग ओ एन वहीं सेम कंपोनेंट रहेंगे तो क्या बन जाएगा, U साइन 22.5 डिग्री, ठीक है। तो हमने रिजोल्व कर दिया, तो हमने क्या देखा कि देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, बट अलोंग वर्टिकली इट इज जस्ट रिवर्स्ड, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नो हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो हेयर नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग लॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल पोजिशन के अलोंग क्या है, ये रिवर्स्ड है, इज रिवर्स्ड, रिवर्स्ड मीन एक बार एक इधर है और एक उधर है, इस तरीके से है, ठीक है। तो यहां से इम्पल्स क्या हो जाएगा, बॉल का इम्पल्स ऑफ इम्पार्टिंग ऑफ बॉल, ठीक है। तो आपको बॉल का इम्पल्स आपको निकालना आता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन
लीनियर मोमेंटम यही होता है ना आपका इम्पल्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे बेटा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो देखिए क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो देखिए आप सिर्फ किसको लोगे, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को लोगे ना, हमारे वर्टिकल कंपोनेंट, ये वेलोसिटी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे चेंज हो रहे हैं, इट मींस वर्टिकल कंपोनेंट कौन से हैं हमारे, एम यू कोस थीटा, ठीक है, यानी कि एम यू कोस 22.5 डिग्री माइनस और माइनस एम यू कोस 22.5 डिग्री, ठीक है। तो ये सम अप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2mu cos 22.5 डिग्री। लॉग टेबल की हेल्प से इसकी वैल्यू हम ढूंढ लेंगे और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। m कितना था हमारे पास, 4.5 kg, ठीक है। और u देखिए, u हमारे पास था 54 किलोमीटर पर आवर, बट इसको सेकंड में हमने चेंज नहीं करा तो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारी यू की वैल्यू है और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 15 इंटू कोस 22.5 की वैल्यू होती है 0.9232। देखो अगर आपके इसके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास, ठीक है बेटा, तो इनका आपको है ना वो मिलेगा, लॉग टेबल मिलती है स्पेशली आपको, और उनकी वैल्यूज आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, तो आप लॉग टेबल आपको मिलती है, आपकी बुक्स में भी होती है, तो आप वहाँ से फाइंड आउट करके लिख सकते हो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आर गेटिंग 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द इम्पल्स दैट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन योर स्क्रीन। स्टोन ऑफ मास 0.25 केजी, ठीक है, टाइट एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है, एक मतलब पत्थर लिया है 0.25 केजी का, एक रस्सी से बांध दिया, वो एक रस्सी को ऐसे से घुमाया गया सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। जब उस रस्सी को घुमा रहे हैं तो उस सर्कल की जो सर्कल में घुमा रहे हैं रस्सी को, ठीक है, पत्थर से बांध के, तो उसकी रेडियस बन रही है 1.5 मीटर, ओके, विद स्पीड ऑफ 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब जो रिवॉल्यूशन के चक्कर हैं वो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट में, मतलब एक मिनट में 40 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 40 टाइम्स रिवॉल्व कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तब को टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में और मैक्सिमम स्पीड बतानी है विद विच द स्टोन कैन बी व्हील्ड अराउंड इट, ठीक है, मतलब आपको बताना है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी स्टोन की अगर आप उसको व्हील्ड अप करते हो अराउंड, ठीक है, चारों तरफ घुमाते हो, अगर स्ट्रिंग को हम क्या करें विद स्टैंड है मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, अगर आप उसको मैक्सिमम टेंशन प्रोवाइड करते हो तो कितनी स्पीड से पत्थर अपना घूमेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। बेसिकली यू कैन से कि कितना मैक्सिमम स्पीड एक पत्थर वो है ना स्टोन अटेन करेगा वो हमें निकालना है। चलिए बेटा सोल्व करते हैं, सो हियर इज द सॉल्यूशन। सो देखिए बेटे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, एम है 0.25 केजी, आर है 1.5 मीटर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने दे रखे हैं 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम भी आपको कई बार ये वर्ड मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, बट दिस इज पर मिनट तो हम इसे सेकंड में चेंज करेंगे तो 40/60, 2×2=4, तो दिस बिकम 2/3 रेट पर सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड वी हैव टू फाइंड आउट, सॉरी टेंशन हमें निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता है टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर है ना, होता है क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, एम आर और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, टू पाई म्यू लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2π एम, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा ये, है ना, यानी क्या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्लियर। तो यहाँ से आप इसको खोलोगे तो आप इसको क्या लिख सकती हो, देखिए ओमेगा का स्केयर है तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, स्केयर हो जाएगा इसका भी, स्केयर को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, एम आर 4π² n² आप सबकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे
सबके यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू 4 इंटू एम आर, सॉरी बेटा आर 1.5 दे रखा है, ठीक है, ये मैंने गलती से, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ एक्सप्लेन वो कर देते हैं। आर की जगह कितना लिखेंगे, 1.5, और एक ये पाई है ना 22/7, इसका नाम कहा जाएगा, और ये अपना हो जाएगा 2/3 टू 2/3। एक बार दोबारा देख लीजिए, दिस इज 4 आर 1.5, 4 पाई 22/7 22/7 एंड 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। अब अगर कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, अगर नहीं कट रहा तो उसको छोड़ देंगे। अब देखिए बेटा कहीं पे भी कुछ कट रहा है आपका, हाँ ये कट रहा है 3 0.5, और तो मेरे ख्याल से कहीं पर भी कुछ भी नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे इसको पूरे को सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करके इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो काफ़ी इजी है मेरे तरीके से, मेरे हिसाब से आप इसको कर लोगे। आफ्टर सोल्विंग वी आर गेटिंग 6.6 न्यूटन, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना बेटा, काफ़ी इजी, आप इसको इजीली कर लोगे, ठीक है। अब देखिए जो मैक्सिमम टेंशन आपको दे रखी है, जो मैक्सिमम टेंशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी गिवन है, 200 न्यूटन, ये मैक्सिमम टेंशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये बोल रहा है अगर मैक्सिमम इतनी टेंशन कोई भी रस्सी है वो अटेन करती है तो आपको बताना है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो यू नो दैट अगर कोई भी पत्थर है वो इस तरीके से आप देख रहे हो, जैसे एक रस्सी है वो एक स्ट्रिंग से अटैच है तो वो ऐसे इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ है अगर सर्कल फॉर्म में घूमेगी तो उस पर जो टेंशन लगेगी वो क्या लगेगी, एम वी स्केयर अपॉन आर, और ये भी कौन से वाली, मैक्सिमम वाली, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो वी स्केयर मैक्स क्या हो जाएगा, टी आर अपॉन एम, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 200, आर कितना है 1.5, मास कितना है 0.25, तो उसको क्या लिखोगे, 200 इंटू 15 इंटू इसका 100 चला जाएगा ऊपर और इसका नीचे 25 इंटू 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है, 25 8 जा 200, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू आर गेटिंग, 1200, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज वी स्केयर, ठीक है। बट हमें तो सिंपल वी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1200, और जब इसको आप सोल्व करोगे देन यू आर गेटिंग 30.46 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ये आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इफ इन क्वेश्चन 21 स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिशेबल वैल्यू, अगर हम जो स्टोन है उसकी स्पीड एक्सेस में इंक्रीज कर दें, मतलब जितने वो स्पीड अटेन कर सकता है उससे ज़्यादा उसको स्पीड दे दें, एंड द, तो आपको पता है अगर ज़्यादा उसको घुमाएंगे तो रस्सी टूट जाएगी, एंड द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, ठीक है, रस्सी टूट जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक, तो स्ट्रिंग रस्सी टूटने के बाद कौन सा ट्रेजेक्टरी, कौन सा पाथ वो फॉलो करेगी आपको बताना है। ए है द स्टोन जर्क रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, कि जो स्टोन है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है, रेडियली। सेकंड कह रहा है कि द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंटली फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग ब्रेक, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक्शन रिएक्शन फोर्स करते हैं, यानी कि आपको पता है कि रस्सी जब घूमती है तो उसमें सेंट्रिपिटल फोर्स भी काम करता है और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स भी काम करता है, न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए जब उसको कंटिन्यू घुमा रहे हो तो स्टोन क्या करेगा, एकदम से उसी साइड गिरेगा जिस साइड टेंजेंटली उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए इसका आंसर, द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द, चलो थर्ड भी पढ़ लेते हैं एक बार, द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द स्टोन, थर्ड कह रहा है कि जो स्टोन हो पत्थर है वो गिरेगा तो वो उतने एंगल के साथ गिरेगा जितना उसका मतलब मैग्नीट्यूड है स्पीड की, जो स्टोन की स्पीड है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंटली एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।
वो इसलिए गिरेगा क्योंकि वो कंटिन्यू आप उसको घुमा रहे हो, ठीक है। तो वो कैसा फील कर रहा है कि वो मोशन में है, बट एकदम से रस्सी टूट जाएगी तो एकदम से बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में, बट उसको तो ऐसा ही लगता रहेगा ना कि अभी मोशन हूँ, इसलिए वो उसी डायरेक्शन में गिरेगा जिस साइड में कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, ठीक है बेटा। सो आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू इसको करते रहिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन टेल टू मी। थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।